नमस्कार, स्वागत आपका द पब्लिक न्यूज चैनल में। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी समय नजदीक आ चुका है। बिहार इलेक्शन का समय नजदीक आ चुका है। जी हां, जेडीयू के 99% नेता सीएम नीतीश कुमार से नाराज है। जी हां, कौन से नेता किस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं, कौन सी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, आज फैसला होने वाला है। जी हां, श्याम रजत एक दलित नेता है और एनडीए उनके राजद में जाने की भरपाई करना चाहता है। यही वजह है कि जीतनराम मांझी के आने से एनडीए को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण जदयू से बर्खास्त किए गए कैबिनेट मंत्री श्याम रजक आज राजद में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक उद्योग विभाग में एक अधिकारी की तैनाती को लेकर नाराज थे। यही वजह है कि अब जदयू से नाता तोड़कर राजद में जा रहे हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि रजक को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से बर्खास्त कर दिया गया है। वही जदयू नेता आरसीपी सिंह ने चुनाव के समय होने वाली सामान्य घटना करार देकर ज्यादा तुल नहीं दिया है। इसी बीच खबर आई कि जीताराम मांझी भी जल्द ही महागठबंधन को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल श्याम रजक एक दलित नेता है और एनडीए उनके राजद में जाने की भरपाई कर रहा है। यही वजह है कि जीतनराम मांझी के आने से एनडीए को मदद मिलेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दनीश रिजवान ने बताया कि इस बार 20 अगस्त को फैसला किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, कौन से नेता को किस पार्टी में शामिल होना चाहिए, हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।